क्वेश्चन दिया है हाउ मनी रिंग्स आर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए हाइड्रोकार्बन विद द फार्मूला। हाइड्रोकार्बन का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है C6H10 दिया हुआ है, ठीक है। और इस हाइड्रोकार्बन में आपको डिटरमिन करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2N1 - N2+2/2। ये होता है फार्मूला, जहाँ पर N1 रिप्रेजेंट्स करता है नंबर ऑफ कार्बन को और N2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। और इस हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 10, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू इस फार्मूला में प्लग इन कर देते हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला क्या है भाई, 2N1 है, N1 का वैल्यू कितना है, 6, माइनस N2 दिया हुआ है, N2 का वैल्यू कितना है, 10+2/2 आपका 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × 2 = 12 - 10+2 और डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 12 + 2 कितना हो गया भाई, ये आपका 14 - 10/2 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिलेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये 14 - 10 = 4/2 हो गया, 2×2 = 4। फाइनली हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आता है, तो ये समझ लीजिए कि उस हाइड्रोकार्बन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोकार्बन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है, मतलब कि उसमें एक डबल बॉन्ड डला हुआ है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड डला है तो कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाता है, मतलब यह है कि उस हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड डले हैं, और 2 डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए भाई, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए।